give it back, sir. So, Pagat Singh. एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी स्टिक का जादू फील्ड पर दिखाया, अपने करिश्माई गोलों से विरोधी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया और अपने दमदार खेल से हॉकी को शिखर तक पहुंचाया। अनसुनी कहानियों का यह सफर चल पड़ा है जालंधर की शान, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जैसे राष्ट्रीय खिताबों से सम्मानित वर्ल्ड फेमस हॉकी डिफेंडर परगट सिंह की जुबानी दास्तां की ओर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित परगट के मन में हॉकी के लिए दीवानगी तो बचपन से ही थी। रेडियो से मैच की कमेंट्री सुनकर बड़े हुए परगट ने पंजाब का नाम हॉकी के जरिए आगे बढ़ाने का मन बनाया। गांव मीठापुर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में दोस्तों के साथ हॉकी खेलते हुए विदेशी ग्राउंड पर अपनी स्टिक का जादू बिखेरा। ये जो हमारा मीठापुर गाँव है, ये हॉकी की बेल्ट माना जाता है, और उस समय क्योंकि और एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं होता था, तो गाँव का मेरा ख्याल हर बच्चा और बुजुर्ग जो है वो हॉकी ग्राउंड में जरूर जाता था, चाहे वो खेलता था चाहे नहीं खेलता था। पूरे गांव की इन्वॉल्वमेंट थी इस खेल में। वहां से जो हॉकी की शुरुआत हुई, क्योंकि ये गांव जो है वो कैंट एरिया में, जहां शामनी है हमारी, उसके पास है, क्योंकि वहां हॉकी की टीम्स होती थी, इसलिए ये चार पांच गांव हैं, मिठापुर, संसारपुर, खुसरोपुर, कुक्कड़पिंड, ये चार पांच गांव हैं जो हॉकी की बेल्ट हमेशा माने जाते हैं। नाल नाल पढ़ते रहे, नाल नाल इन किताब ले जाने, जिथे भी कैंप लगाया होना, कुछ भी होना, इनका नाल ले जाने, उत्थे इन पढ़ना, पढ़ाई करनी। पर इन बहुत अच्छे काम किए, बहुत साढ़े नाल इन परोपकारी, सानू भी इन्ना चंगा समझते आ कि भी 22-23 साल ब्याह नू हो गया, तो अज ताई इनू पता नहीं इस गल का भी मेरा माँ पे है जां जुदेव जां कुछ भी, बहुत इस गल का रहिंदा है उनू हर वेले, इन्ना साडा हर वेले करते आ भी गल कहण दी नहीं। टब्बर आ जाते हैं कितने लोग करते, असी तो थोड़ा जा खेतीबाड़ी करते सके, असी कोई नहीं एडिया लंबी गल्लां मानता उन्हें कितने, उन्हें आप ही बहुत शौक से। हॉकी का बेल्ट कहा जाने वाला पंजाब का मीठापुर गांव शुरू से ही छावनियों से घिरा रहा, जहां अंग्रेजों के हॉकी के लिए लगाव को बखूबी देखा जा सकता था। यही वजह है कि परगट ने स्कूल के समय से ही जूनियर टीम में अपनी जगह बनाकर हॉकी में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। उनके ख्वाबों को साकार करने में मदद की सुरजीत सिंह ने, जो उनके रोल मॉडल भी थे। एज ए हॉकी रोल मॉडल तो सुरजीत सिंह थे, लेकिन जो हमारे कोच थे उस टाइम मिस्टर बोधी थे, उनके फादर पहले हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में कोच थे, मिस्टर बोधी गुरदीप सिंह थे। लेकिन हमारे गांव में जो हमारे पीटी मास्टर थे, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वो थे मुख्तियार सिंह और ज्ञान चंद, ये दो। क्योंकि हर सिचुएशन पे मेरा ख्याल है कि अच्छे लोग मिले जो डिसिप्लिन वाले और मेहनत करवाने के जो आदी थे, उनकी वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को काफी जो है वो इसमें आने का मौका मिला। सुरजीत सिंह रंधावा को रोल मॉडल बनाने के बाद लियालपुर खालसा कॉलेज में दाखिला लिया और नेशनल हॉकी टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए लगातार परगट कोशिश करते रहे। आखिरकार संघर्ष का दौर खत्म हुआ और साल 1983 में हांगकांग टूर्नामेंट के लिए उन्हें टीम में जगह मिली। इस दौरान परगट पंजाब से टीम इंडिया में जगह बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। Scored an excellent second penalty corner goal for India. टेन नेशन हांगकांग था पहला टूर्नामेंट, और उस टूर्नामेंट में मेरे को याद है कि क्योंकि पंजाब में उस टाइम काफ़ी टेररिज्म था और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और मेरे को एक शाम पहले पता चला कि मैं हॉकी में टीम में आ गया, और रात को आके सुबह मैं फिर वापस पहुंचा, और वो डिफ़िकल्ट एक रास्ता था। लेकिन ये है कि वो मेरे को पहले टूर्नामेंट में पता भी नहीं था कि कौन कौन से प्लेयर हैं, क्या उनकी स्टैंडिंग है, क्योंकि मैं उस टाइम, मेरा ख्याल उम्र मेरी 17.5 साल के करीब थी, तो मेरा ख्याल वो मेरा बेस्ट टूर्नामेंट था। ये 80 का वो दशक था जब हॉकी में विश्व स्तर पर भारत का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था, पंजाब में आतंकवाद हावी हो रहा था और लोगों की दिलचस्पी हॉकी से हटकर क्रिकेट की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में देश में अपना नाम चमकाना बेहद टेढ़ी खीर था। टीम में अपनी जगह पक्की करने के महज 2 साल बाद परगट ने अपनी हॉकी स्टिक का जादू दिखाया। जर्मनी से मैच के दौरान आखिरी 8 मिनट में एक के बाद एक 4 गोल दागकर
हीरो बन गए पूरे देश के। जर्मन के साथ मैच था हमारा, चैंपियंस ट्रॉफी थी पर्थ में, तो वी वर डाउन बाई 5-1, लास्ट 8 मिनट रहते थे, तो उसमें फिर 2 गोल मेरे भी थे, वो फील्ड गोल थे, इसलिए एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं, वैसे वो मेरे को कभी पर्सनली तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो अपने प्लेयर्स को पास देना चाहता था, और गोरेओं की एक मैंटेलिटी है कि वो जो जिस आदमी को मार्क करते हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं, उन्होंने किसी ने छोड़ा नहीं, मैं चलता गया, उनका एक डीप डिफेंडर आया, उसको मेरे को बीट करना पड़ा, जब मैंने उसको बीट कर लिया तो आगे गोलकीपर आ गया, मैंने प्लेस कर दी, गोल हो गया। तो वो वैसे सारे कहते हैं कि भाई ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन गोल है, क्योंकि फील्ड गोल फुलबैक जो है वो कम ही करते हैं। 80 का दशक तुमानो परगट की कामयाबी के शिखर को लेकर आया। साल 1986 में एक बार फिर परगट सुर्खियों में आए। कराची में हॉलैंड के साथ खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान परगट ने टीम को 3-2 से जीत दिलाकर भारत का हॉकी ग्राफ ऊपर उठाया। का ऐसा चांस मेरे को हॉलैंड के अगेंस्ट भी कराची में चैंपियंस ट्रॉफी थी 86 में, वहीं भी मिला, तो उससे क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि हाँ भी परगट सिंह भी कोई प्लेयर है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ऐड ऑन हो गया। परगट कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। आखिर वो वक्त भी आया जो फील्ड पर अपनी परफॉर्मेंस और शानदार टीम स्पिरिट के चलते परगट को टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। नब्बे के शुरुआती दशक में भी परगट सिंह की दमदार परफॉर्मेंस जारी रही। परगट इसे अपना सौभाग्य ही मानते हैं कि उन्हें 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक और 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कप्तानी करने का मौका मिला। अब तक 2 ओलंपिक मैचों की कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी परगट के नाम ही है। 89 में बेसिकली मैं इंडिया का कप्तान बना था, 89 से लेके ऑलमोस्ट 98 तक, और उसमें 2 ओलंपिक्स की कैप्टेंसी, क्योंकि बहुत कम होता है हमारे कंट्री में, एक बार एक ओलंपिक में 2 कप्तान तो गए थे जॉइंट कप्तान, बट कहीं 2 ओलंपिक्स में एक ही कप्तान बन के नहीं गया। चलो वो कई बार लकी भी होता है, सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं। खुद को किस्मत का धनी मानने वाले परगट सिंह की उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट है। 168 मैचों की कप्तानी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। 313 मैच खेले हैं और 168 में कैप्टेंसी जो है वो की है, वो समय तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 15 साल का ऑलमोस्ट मेरा इंटरनेशनल कैरियर था, उसमें 3 ओलंपिक्स थी, वर्ल्ड कप थे, 2 एशियन गेम्स थी, ऑल स्टार एशिया 11 थी, एशिया 11 का भी कप्तान था। सो ये सारी कहीं ना कहीं, एक बार वर्ल्ड 11 बनी थी उसमें भी था, सो ये सारे कहीं ना कहीं, वो देखो जो अगर उस लेवल के ऊपर आपकी सस्टेनेबिलिटी बनती है तो ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं उसमें आ जाती हैं। कई सालों तक टीम इंडिया की कमान संभालने वाले परगट सिंह का कप्तानी का एक लंबा अनुभव रहा है। साथ ही खिलाड़ियों के साथ परगट अपना तजुर्बा बांटते रहे और उन्हें अच्छा खेलने के लिए प्रेरित करते रहे। मोहम्मद शाहिद अच्छे थे, उसके बाद पिल्ले अच्छा था, पाकिस्तान से शाहबाज अच्छा था, क्योंकि बॉवलैंडर था हॉलैंड से, जर्मनी से कास्टन फिशर था, एक ब्लॉकर था, सो ऐसे करके दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया से चार्ल्स वर्थ था, टेरी वॉल्च था, पीटर हेजलहर्ट्स था, ये सारे उस समय के जो है वो अच्छे जो है वो हॉकी के खिलाड़ी थे। कैलकुलेट द बॉल स्पीड, फील्ड गैप एंड मैन स्पीड की योजना के साथ परगट अपने शागिर्दों को खेल की बारीकियां कुछ इस कदर समझाते कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता। स्किल, फिटनेस, मेंटल एबिलिटी, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्लेयर को आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से सीखनी पड़ती है। कुछ नेचुरल होती है, कुछ आप डेवलप करते हैं। आप किसी सिस्टम में भी जाओ, हर चीज़ कहीं ना कहीं सीखनी पड़ती है, कुछ नेचुरल होती है। तो जब उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फिट नहीं होंगे, आपके पास स्किल अच्छी भी हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर एग्जिबिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उतनी स्पैन खेलना है तो आपको फिटनेस चाहिए। अगर फिटनेस ठीक है, आपके पास स्किल ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 2 इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन, लेकिन आपने टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन करनी है कि कैलकुलेट करके बॉल
क्योंकि बॉल की स्पीड और इंसान की स्पीड और गैप, ये तीनों की कैलकुलेशन जितनी देर नहीं आएगी आप अच्छा बॉल नहीं दे सकते अपने प्लेयर को। सो ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनिंग से भी आता है, कुछ नेचुरल भी होता है, कुछ आपके इंडिविजुअल गट्स भी होते हैं, क्योंकि हर आदमी के एक इंडिविजुअल गट्स भी होते हैं। सो ये सारा कॉम्बिनेशन जब बनता है तो तभी एक अच्छा प्लेयर बनता है। एक खिलाड़ी के तौर पर परगट सिंह करीब 1.5 दशक तक टीम इंडिया के लिए खेलते रहे, तो करीब 9 साल तक एक कप्तान के तौर पर टीम इंडिया की अगुवाई भी की। परगट सिंह की उपलब्धियों का गवाह रहे वो अवार्ड और मेडल आज भी उनके आशियाने की शोभा बढ़ा रहे हैं। परगट सिंह की कामयाबी की दास्तां सुना रहे हैं। मेरे को 89 में मिला था अर्जुन अवार्ड, 94 में मिला था राजीव गांधी अवार्ड और 2006 में मिला था मेरे को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड, और उसके बीच में तो चलो कई अवार्ड मिलते रहे। पहले अर्जुन अवार्ड जब मिला था तब तो आई थिंक इनका वो चल रहा था सुल्तान अजलन शाह, तब मेरे ख्याल से यहाँ इंडिया में नहीं थे, वो तो ले नहीं पाए थे। पद्मश्री के लिए तब मेरे फादर भी एमपी थे, हम सब गए थे वहाँ पर लेने के लिए। हमने सेलिब्रेट किया, वो पहली बार हम सेलिब्रेट ऐसे किया कि 5-स्टार होटल में खाना खाने गए। यहाँ से निकल के परगट सिंह तो बहुत बारी गए थे, हम कभी गए नहीं थे 5-स्टार। वहाँ पे जाके हमें पता ना चले हमने खाना कहाँ पे है, हम गुम गए थे। और गए भी मेरे ख्याल से ताज होटल में गए थे, तो वहाँ से चलो मेरे फादर जब हम बाहर निकले, मेरे फादर कहते जब खाना खाने जाओ ना तब वहाँ खाना खाते हैं जहाँ पे आपको पता हो और यू कैन इन्जॉय, बैठ के इन्जॉय करो और कंफर्टेबल हो, वहाँ पे सेलिब्रेशन। ऐसे हमारी फर्स्ट सेलिब्रेशन थी उसकी पद्मश्री की। हॉकी में टीम इंडिया का नाम बुलंदियों पर ले जाने के बाद परगट पंजाब पुलिस में DSP स्पोर्ट्स डायरेक्टर के साथ कई अहम सरकारी पदों पर काबिज रहे। आपको ये जानकार भी हैरानी होगी कि अपनी साफ छवि बनाए रखने के लिए वो अब तक 7 पदों से इस्तीफा भी दे चुके हैं। ट्रेनिंग की है, फिर उसके बाद अंडर ट्रेनिंग SHO लगा था, DSP लगा था, SP ऑपरेशंस लगा था, तो वो सारा कहीं ना कहीं काम पुलिस का भी किया हुआ। फिर मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स बन गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स में काफ़ी गवर्नमेंट फंक्शनिंग का पता चला, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो कई बार आदमी सोचता है कि होनी चाहिए, वो की मैंने। और उसके बाद फिर मेरे को ये पॉलिटिकल लाइन में लाया गया। स्पोर्ट्स डायरेक्टर होने के नाते परगट ने पंजाब में कई स्टेडियम का निर्माण करवाया, युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए कई योजनाएं बनवाई, पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए खास काम किए और युवाओं में एक जोश भरा। स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें जितना काम कर लो उतना ही कम है। जितना यूथ इन्वॉल्व कर लो, जितना उनको ट्रेनिंग दे दो, जितना उनको मोटिवेट कर लो, दे विल बी फिट ऑल्सो एंड गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं कि आप अगर मेहनत करते हो, पसीना आता है, आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक होता है, तो आपकी भावनाएं भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में आती है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राइंड होके एक अच्छा इंसान बनना चाहिए वो बनते हो। तो उसमें बहुत से एक्चुअली फ़ायदे हैं, बहुत एक्चुअली स्पोर्ट्स मेरा ख्याल है कि हर आदमी का एक ज़िंदगी का हिस्सा, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ यहाँ स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, क्योंकि इमोशंस हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। और इमोशंस और एग्जीक्यूशन को करने के लिए आपका फिज़िकली मेंटली फिट होना नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। 9 करोड़ 25 लाख के बजट में कुछ नहीं होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता देखो डेवलपमेंट जो होती है एक दिन तो पैसे चाहिए नहीं होते, क्योंकि इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करवाना पड़ता है। इट इज़ लाइक ए पैरामिड कि आपने एक सिस्टम शुरू किया, उसके बाद टॉप लेवल पे जो है वो स्पोर्ट्समैन चले गया, उसमें कुछ फिटनेस ठीक हो गई, कुछ हो गया। सो ये सारा कुछ एक कॉम्बिनेशन है। हॉकी को लेकर परगट की गंभीरता और युवा खिलाड़ियों को हॉकी से जोड़ने की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज गांव मीठापुर से 3 खिलाड़ी नेशनल सीनियर टीम और 1 जूनियर टीम में जगह बनाकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालकर परगट आज भी खिलाड़ियों को गाइड करने स्टेडियम चले जाते हैं। मनप्रीत है एक, तो एक लड़का जो है मनदीप है, एक विशाल है और एक तलविंदर है।
ये तीन तो सीनियर इंडिया टीम में हैं और एक जूनियर इंडिया टीम में है, चार लड़के मेरे गांव से। मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे पास आते हैं, लेकिन माहौल बना रखा है। देखो माहौल से जो है वो हर चीज़ बनती है। अगर कहें कि स्पोर्ट्समैन ओवरनाइट बन जाए, क्योंकि मेरे गाँव में भी मैंने देखा कि उस टाइम काफ़ी नशा था। मैं अपने फादर के साथ एक दिन शाम को बैठा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे काफ़ी लड़के जो है वो नशा करने लग गए। तो इमीडिएटली मैंने ग्राउंड तैयार करवाई, स्टिक्स वगैरह किटिंग वगैरह करवाई, जो नए बच्चे थे 14 साल के उनको पकड़ के और साथ में लेके एक अच्छा माहौल बना दिया। तो कोच रख दिया, ट्रेनिंग करवाता है, आज भी बहुत एक अच्छा माहौल है। सुबह शाम 100-150 बच्चा आता है और जो सैर करने वाले हैं, क्योंकि गांव के लोग कहीं बैठ जाते थे या जहां कॉमन जगह है, अभी वो ग्राउंड में होते हैं। ग्राउंड में आते हैं तो सैर भी करते हैं, सैर करते हैं तो एक अच्छी फिजीक भी होती है, एक अच्छा माहौल बनता है, माहौल जो है वो अच्छा है। हाल ही में प्रगट एक बार फिर सुर्खियों में आए और उसकी वजह बनी राजनीति। बलबीर अकाली दल से जुड़े और पिंड मीठापुर से MLA का चुनाव जीता। राजनीति में आगे भविष्य देख रहे प्रगट सार्वजनिक कार्यों के साथ लोगों की मदद करते दिखते हैं। दिन की शुरुआत वो अपने कार्यालय में लोगों से भेंट कर ही शुरू करते हैं। 2012 में MLA बना था। कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छे काम जो है वो हट के ट्रेडिशन से हो जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जो एड्रेस कुछ हुए भी हैं, कुछ होने भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को गाइड भी करना है कि यार लड़ाई झगड़े से हटकर, धार्मिक इशू से हटकर हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। बिकॉज मेरी फैमिली हमेशा पॉलिटिकली रही है, मेरे फादर गवर्नर थे, MP थे, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सो इट वाज ऑलवेज अ एफ्लुएंट काइंड ऑफ अ फैमिली। कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर कई MLA आए, वो बाहर से आए, जीत के चले गए, काम किसी ने नहीं किया। सरदार प्रगट सिंह इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहने वाले हैं, इसी यहीं के जन्मे का मीठापुर गाँव से। उसके बाद सबसे पहले प्लानिंग की गई इन्होंने अपनी तरफ से कि मैं मैक्सिमम पैसे ला के इस एरिया का सुधार कर सकूं। प्रगट सिंह का एक भरा पूरा परिवार है, सिर पर माता पिता का साया है और खुश मिजाज पत्नी परवंदर प्रीत के साथ बड़े बेटे हरताज और बेटी हरनूर हैं, जिनमें पापा प्रगट की तरह ही हॉकी को लेकर दिलचस्पी नजर आती है। वैसे इजी वे आउट निकालते हैं ये, जो स्पोर्ट्स की लाइफ है ना, इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत ज़्यादा तपस्या चाहिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ ही रादर मेरे ख्याल से छोड़ना पड़ता है। जो ये जनरेशन है ये वो नहीं करती। बेटी में था, कैलिबर है, अब भी है, बेटा भी नेशनल खेला है स्विमिंग में और बेटी ने टेनिस में किया, लेकिन उनको उनके लिए ना एजुकेशन फिर पीछे रह जाती थी उनकी, उनको फिर ये लगा एक पॉइंट पे आके जब कॉलेज में गए कि वी वांट टू हैव करियर्स इन एजुकेशन। प्रगट दिन की शुरुआत आज भी कसरत के साथ ही करते हैं। शांत व्यवहार के प्रगट को परिवार के साथ घूमना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है, तो संगीत से भी लगाव काफी गहरा है। सलाम ना हो तो ऐसी राह पे गुजरो जो राह आम ना हो, अगर जिज़्द है